दूसरी तरफ बैन करती हुई मौत। ये कोई कुदरत का आजाब नहीं बल्कि कल्लू के काल का असर है। कल्लू जिसके खौफ से जमीन उदास, आसमान खामोश। रजनापुर में पैदा होने वाला हर बच्चा कल्लू की फौज का हिस्सा, वरना मौत का लुकमा। यहां कानून कल्लू के गुलामों का गुलाम। दरिया के इस पार रजनापुर में खेत खलियान करना जुर्म है, जो ऐसा करता है बाबा। रे बाबा, ये लो पानी। रज्जी तारा बेटा, जा जा इब कर खेती बाड़ी। ठीक है बाबा। ये क्या लेने हैं? अल्लाह जाने बेटा। रे गुलाम रसूल, रे तेरे छोरे को मौत से डर ना लगे आए? रे लगता है पागल हो गया है क्या? रुक। रे सटिया गया क्या? रे गुलाम रसूल, रे तारी समझ में क्यों ना आवे? रजनापुर मा खेत खलियान करना जुर्म हो गया है। ये खेती बाड़ी मारे बाप दादा किया करते थे और इब मारा बेटा करेगा। बेटा ना ना, यो ना करियो। चल अंगूठा लगा यहाँ पर। रखा थारी जमीन बिक गई। रब पागल हो गया ते? जब मन ने जमीन बेची ना है तो खरीदी किसने? बाबा, बाबा, बाबा। कल्लू ने ली थारी जमीन और अब जान भी थारी कल्लू ही लेगा। गुलाम रसूल, रे क्यों अपना और अपने जने की जान का दुश्मन बने है? रे छोड़ दे जमीन, क्यों दुनिया छोड़ के ऊपर जा गए है? मर तो मर जाऊंगा, मैं जमीन ना दूंगा थारे को। रब बोला था जमीन छोड़ दे, रब दुनिया ना छोड़। मर गया मर गया। बोला था जमीन छोड़ दे, दुनिया ना छोड़। ये भी वो जमीन भी थारी हो गई।
کوئی برا